नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा समरसिबल मोटर का फॉल्ट कैसे निकाला जाता है और कुएं पर भी फॉल्ट निकाल सकते हो आप। बहुत आसान है, आसान तरीका बताऊंगा, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत खास होने वाली है। और आप अभी से मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये वीडियो देखने के बाद समरसिबल मोटर का फॉल्ट निकालना सीख जाओगे और कहीं पे भी आप फॉल्ट निकाल सकते हो। तो चलो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये है हमारे पास 7.5 HP टेक्समूव मोटर। आज इस वीडियो में मैं इस मोटर का आपको फॉल्ट काट के बताऊंगा कैसे फॉल्ट निकालते हैं और कैसे निकालते हैं, किस प्रकार से फॉल्ट निकाला जाता है और इतने तारों में से कितने फॉल्ट है कितने नहीं है वो पूरी जानकारी दूंगा। तो मैंने ये मोटर को पूरी खोल ली है, तो हम पहले इसके सबसे पहले हम मीटर लगाएंगे, मीटर, ताकि मीटर फॉल्ट बताएगा कि किस तार में है या नहीं है। तो मैं केबल के पहले मीटर लगाता हूँ और पहले चेक करता हूँ कि किस तार में फॉल्ट है या नहीं है। सीरीज ए केबल की मोटर हो तो उसमें सीरीज कंटिन्यू बताएगी तीनों तारों में। देखो ऐसे ये मीटर बता रहा है, लाल और आसमानी मीटर फुल बता रहा है और पीला तार में बता रहा है। आप देख सकते हो इससे भी नहीं बता रहा है और इससे भी नहीं बता रहा है, तो इसका मतलब इसका पीला तार कट हो गया है। तो हम पीला तार के लगा देते हैं और चेक करते हैं कि कौन सा तार है, किस साइड है, कहाँ मिलेगा आप फॉल्ट। तो मैं तार लगा देता हूँ, एक तार तो इसके लगा दो मीटर का और एक तार बॉडी के लगाना है, एक तार इस बॉडी के लगाना है या, और पानी नागना है, पानी नागने से ये मीटर बताएगा। मैं मीटर लगा दिया हूँ, इस मोटर के मीटर लग चुका है और अब हमें चेक करना है कि फॉल्ट किस तरफ है, इस बॉडी पे इतने तारों में कौन कहाँ तार मिलेगा, तो मैं बताऊंगा आपको। तो मैं पहले पानी नागता हूँ, ऐसे पानी ना के चेक करना है, अगर फॉल्ट कहीं पे होगा तो ये मीटर हमें बताएगा कि फॉल्ट इस तार से यहाँ पे है। अभी तक तो नहीं हिला है, तो इसका मतलब इस साइड तो नहीं है फॉल्ट। चलो हम उल्टा एक साइड तो चेक कर लिया, अब इधर की साइड जो कनेक्शन है ये भी चेक करते हैं कि इधर फॉल्ट है क्या और कहीं है, और कहीं का मतलब अंदर स्लॉट में भी हो सकता है, इस बॉडी के अंदर भी। तो पहले यही चेक कर लेते हैं कि यही मिलता है या अंदर मिलेगा। मतलब यही है फॉल्ट, देखो मीटर बता रहा है, वापस डाउन हो गया ना। थोड़ा थोड़ा पानी नाक के चेक करते हैं, देखिए किस कोयल में है। यही है, तो इस कैन को खोलना पड़ेगा आपने, और पहले कैन खोल के फिर चेक करेंगे कि कहाँ है फॉल्ट। प्लास की मदद से इसको काट लेंगे और इसको खोलना है।
सेफ पूरा खोल लिया है मैंने। अब चेक करेंगे, ये देखो ये आ गया ना कनेक्शन, कनेक्शन का तार ही फॉल्ट है इसमें। खोलते ही पता चल गया और मीटर से पता चल गया कि यही इसी यहां पे बता रहा था। ये तार फॉल्ट है इस मोटर का, देखो पीला तार कट बता रहा था ना, ये पीला तार यही है कट। दूसरा वाला तार निकालता हूं मैं, इसका दूसरा वाला सीधा देखना है हमें, वो इसी कॉइल में यही मिलेगा, यही बता रहा था मीटर, इसलिए देख लो। आप देख सकते हो वो रहा, ये है सीधा दूसरा वाला। तो इसको हम वापस जॉइंट कर देंगे, जॉइंट करने के बाद ये मोटर आराम से चल जाएगी वापस। इसको ये पॉलीथिन उतारना पड़ेगा जॉइंट करने के लिए, तांबा का तार निकाल के जॉइंट करना है वापस। और ये छोटा पड़े तो आप थोड़े सा इसको खींच सकते हो यहां से, और नहीं तो उधर से कैन खोल के और बाहर निकाल सकते हो। अगर तार उधर ज्यादा ना आए तो यहां से इधर वाला सिरा खोल के कैन को, और फिर खोलने के बाद ये तार अपने आप ढीला हो जाएगा। ढीला होने के बाद इसको खींच के और निकाल सकते हो, देख चाहे जितना आराम से जॉइंट कर सकते हो इसमें। दोनों तारों को वापस जॉइंट करना है, जॉइंट करना है इसमें। जॉइंट का ध्यान रखना कि लूज ना रहे, लूज रहने पर ये वापस जल सकता है। इस तरह दोनों तारों की मजबूत बढ़िया आंटी देखे ये जॉइंट कर देना है वापस, और इसकी वापस टेप और कच्चा रबर लगाना है ताकि पानी न भरे। पानी से तो ये वापस जल जाता है, इसलिए पानी का जाब्ता करना है, वाटरप्रूफ करना है हमें। टेप करना है हमें पहले तो इसके, फिर टेप को थोड़ी खींच के करना है जो अच्छी हो जाए और मजबूत भी हो जाए, लूज भी ना रहे। टेप करने के बाद ये कच्चा रबर करना है, कच्चा रबर को भी खींच खींच के करना है बदा बदा के, ताकि
फिनिशिंग भी बढ़िया रहे और मजबूत भी रहे कनेक्शन। कच्चा रबर दो बार करना है, ध्यान रहे कि पानी से मजबूत काम करे, पानी न बढ़े इसमें। कंपोज कंपोज करने के बाद वापस टेप करना है। मेरे हिसाब से तो एक बार टेप, दो बार कंपोज, फिर एक बार टेप ठीक रहता है। मैं तो इतना ही करता हूँ। चाहे तो आप ज्यादा भी कर सकते हो, दो बार टेप, दो बार कंपोज, दो बार वापस टेप भी कर सकते हो, उसमें कोई ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता है। उसमें उल्टा वापस मजबूती होगा आपका जॉइंट, लेकिन ये भी मजबूत है, ये भी नहीं चलेगा। ये जॉइंट हो गया वापस, इसका शेप, अब वापस शेप बनाना है इसका। शेप बनाने से पहले हम वापस एक बार इसको चेक कर लेते हैं, ताकि कोई तार और भी नहीं है शॉर्ट। ये तार जलने के कारण कोई और तो तार दूसरा शॉर्ट नहीं हुआ है, इसलिए हम वापस चेक करना जरूरी है मोटर को। पानी ना के दोबारा से चेक करना है कि कोई तार और तो नहीं है या फॉल्ट और तो नहीं बता रहा है, एक ही तार है या ज्यादा तार है। पानी नागने से हमें पता चल जाएगा। नहीं हिला है मीटर, बारीक थोड़ा भी नहीं हिला है। इसका मतलब हमारी मोटर में एक ही तार है, ये फॉल्ट और कोई तार फॉल्ट नहीं है। अगर फॉल्ट होता तो और फॉल्ट होता तो ये मीटर वापस पहले की तरह ही यहाँ आगे हो जाता। पूरी चेक हो गई है तो हम वापस, तो चलो मीटर का तो काम हो गया, मीटर को तो मैं हटा देता हूँ। मीटर हटा दिया है, वापस शेप बनाना है इस मोटर का। शेप बनाने के लिए इन तारों को वापस सेट करना होगा। ये तार हमने ज्यादा खींचा था, इसलिए इनको वापस एडजस्ट करना है वापस। से वापस खींच के इसको वापस अपनी जगह वापस बैठाना है, ताकि वापस सही शेप बन जाए। और ये कैन वापस करना है इसके। ये लंबे हैं, इनको काट देना है कैंची से, ताकि ये तार वापस सेट हो गया अपनी जगह। और ये हम वापस इसको नई कैन से
टैंक कंप्लीट हो चुकी है ये। थोड़ा शेप को सही करने के लिए थोड़ी और मूसली का काम में लेनी है हमें। थोड़ी और मूसली से वापस शेप को तैयार करना है वापस। ये मोटर का पार्ट निकल गया है और ये पूरी तरह से तैयार हो गई है। ठीक है, वीडियो अधिक लंबे होने के लिए यही समाप्त करता हूँ मैं वीडियो को। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना।